कौन चाचा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। भाई गर्मियाँ बहुत हैं, इतनी गर्मी बहुत है। तो घर के हमारे पास पीछे हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं आसिफ भाई, उनके डेरे के पास उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया। मैंने कहा चलो आपको सिस्टम भी दिखाता हूँ और फिर हम नहाते भी हैं। ये भाई सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है ये ट्यूबवेल का, तो यहाँ पे उन्होंने एक पानी आ रहा है वहाँ से इधर, और एक ये बड़ा सा इन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन ये सिस्टम जो है ना, ये इनका ये नहाने के लिए नहीं है, यानी कि कोई स्विमिंग पूल वगैरह इन्होंने पूल इस तरह का तो नहीं बनाया। वो सिर्फ इन्होंने ये बनाया है और यहाँ से जो है ना ये पानी आएगा, अगर उसको खोल देंगे तो मुकम्मल आ जाएगा पानी। ये सिस्टम इन्होंने ये लगाया है कि ये ना अपनी ज़मीनों को ना वो खाद पड़ी है जानवरों का, यानी कि जो गोबर वगैरह होता है ना वो डाला जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। ये इस तरह मिक्स करके फिर इन्होंने जो है ना यहाँ से ये आउट होगा, ये खाद बन जाएगी। पानी मिक्स करेंगे और ये गोबर वगैरह डालेंगे, और भी अगर कोई चीज़ डालनी है तो वो भी डालेंगे। तो ये जो है ना इसको हम यहाँ से ये खाद बन जाती है, यहाँ से मिक्स होके फिर ये यहाँ से इस तरफ से आउट होगा। ये दो उन्होंने पाइप लगाए हैं, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से फिर ये रास्ता बनाते हैं अपनी ज़मीनों के लिए। तो ये जो खाद होती है ना ये ज़मीनों के लिए, ये बहुत अच्छी होती है, जो आजकल की निकली हुई हैं जिससे ज़मीनें भी बंजर हो जाती हैं। तो काश्तकारी उससे जो है ना बहुत ही, यानी कि जब तक के वो खाद डालते रहो तो काश्तकारी होती है, अगर वो खाद देना छोड़ दो तो काश्तकारी नहीं होती। और ये जो होती है ना, ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया है ये बहुत ही ज़बरदस्त, और ज़मीनों के लिए, ज़मीन के अंदर जान पैदा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मुझे इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जहाँ तक के मेरे इल्म है वो मैंने आपको बताया। हो सकता है इससे और भी चीज़ें, यानी कि ये यहाँ से बनाएं, किसी दिन इंशाल्लाह मैं उनके साथ बैठ के इस बारे में एक तफसीली वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, ये जो चल रहा है ना, इन्होंने ये जो सिस्टम लगाया है सारा सोलर पर चल रहा है। मैं आपको इधर भी दिखाऊं, ये देखें, ये सारा इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, तो ये सोलर पे चल रहा है। यहाँ आप ये देखें कितनी गहराई के अंदर, वो नीचे मोटर लगी हुई है, तो यहाँ पे इनका सिस्टम लगा हुआ है, काफ़ी गहरा इन्होंने बनाया है, मोटर बहुत नीचे जाके लगाई है, तो ये मोटर लगी हुई है, सारा सोलर पर चल रही है। ये इनका सोलर सिस्टम है यहाँ पर, ये आप देखें, ये तकरीबन कम से कम कोई 20-22 होंगी सोलर प्लेट्स, जो माशाल्लाह लगी तो काफ़ी हुई हैं, लेकिन इससे जो सोलर से ये ट्यूबवेल चल रहा है ना, बड़ा कमाल चल रहा है यार। ये देखें माशाल्लाह, इसके थिरो देखें कितनी है, थिरो बहुत बेहतरीन है। और ये इन्होंने ना पानी लगाया हुआ है अपनी ज़मीनों को, ये देखिए यहाँ से ये आउट हो रहा है, ये सिर्फ इन्होंने खाली पानी लगाया, वहाँ से इन्होंने बंद किया कि उस तरफ ना जाए, पानी का बहाव जो है ना इस तरफ है, इस तरफ से जा रहा है ये, यहाँ से कहीं उधर इन्होंने पानी में जो है ना ये लगाया हुआ है। तो ये भी तैयार हो गए, गर्मी बहुत थी, बच्चों को भी ले आया, बच्चे आए हुए थे मुल्तान से भतीजे, तो हमने कहा कि भाई उनको भी नहला ले यार, वो डूब जाएगा उसके तो सर के ऊपर से जाएगा भाई, वो बोलते हैं मुझे छोड़ दो नीचे जाके, तो ले जाओ इसको नीचे ले जाओ, छोड़ दे इसको, कितना आता पानी, इतना गहरा तो नहीं इसको भाई, इसको छोड़ दो। हाँ कहाँ पे जगह पड़ी है, यहाँ से नहीं, ये इधर पाइप रास्ता भी है, नहीं डूब जाए, चलो अच्छा ये जाएगा तो करेगा। आओ जी आओ, आओ क्या हाल है भाई, दो चार बंदे और भी आ गए, ये भी हमारे चाचा के बेटे हैं ये दोनों, तो इधर ही हम पास रहते हैं। ये डेरा है आसिफ भाई का, और वो टैंकी नज़र आ रही है ना, वो हमारा घर है। अच्छा, दूध वगैरह भी हम यहीं से ही लेते हैं, इनके पास से ही लेते हैं, इनके जानवर वगैरह भी हैं, इंशाल्लाह किसी दिन आपको वो भी दिखाएंगे। तो भाई ये तैयार हो गए,
ये भाई नहा रहा है, इसके कब्जे ऊपर ही हो जाते, वो इसके नीचे छोड़ दे। इसके ना ये बांध दे, इसकी उतर रही है। हम ऐसे बैठे होते, ऐसे आ गए, अब सोच रहे कपड़े समेत हम घुस जाते हैं, ना हमने ट्राउज़र पहनी ना टी शर्ट पहनी, तो सोच रहे अब हम कपड़े समेत जो है ना, कपड़े समेत ही हम अब घुसने की तैयारी करना है। कपड़े खाली हैं, भाई मेरे को भी आने दो, आगे बाहर कच्चा उतर रहा है, बेइज्जती हो रही है, वीडियो बन रही है। भाई आ गए, ये कह रहे हैं कि ठंडा बहुत है यार पानी, ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर आउट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे औरतें काम करती हैं ज़मीनों के अंदर, वो काम करके फारी हो गई हैं उस तरफ हैं, उन्होंने कहा है कि भैया मुँह हाथ धोएंगे थोड़ा, तो अभी बच्चों को निकाल लें कि ये साइड में हो जाएं, मुँह हाथ धोएंगे। तो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई चलो वो मुँह हाथ धो लें लेडीज़ वगैरह, उसके बाद जो है बच्चों को और हम भी स्विमिंग पूल के ज़रा मज़े ले लेते हैं, और यहाँ पर आके बैठ गए दरख्त के नीचे, और यहाँ पे जो है जानवर भी बने हुए हैं, बकरियाँ भी हैं। तो अमजद भाई की तरफ से बच्चों को थोड़ी सी बहुत रिफ्रेशमेंट हो गई। मैं आपको ये दरख्त दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दरख्त का मैं बताता हूँ कि मेरी एज तकरीबन 29 और 30 है। मैं जब से होश मैंने संभाला है, हम यहाँ पर आते थे, तो मैं उन दिनों से इस दरख्त को देखता आ रहा हूँ, ना जाने पीछे और कितना ये पुराना है, लेकिन आप छतरी की तरह जो है ये फैला हुआ है बिल्कुल, और इसकी छांव बड़ी कमाल होती है, और यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई हमने नहा लिया है, और नहाने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और ठंडा ठंडा सा यानी कि जिस्म भी हो गया, बड़ी गर्मी थी, बेतहाशा गर्मी थी, और इस गर्मी में इस तरह की कोई तफरी मिल जाए तो वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो भाई बहुत अच्छा रहा हमारा आज का दिन, और आपसे गुजारिश है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी कर दिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दिएगा। यहाँ पे देखें ज़रा, इंची टेप लेके अमजद भाई नाप तोल कर रहे थे, तो फिर हमने हम पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई अब ये ज़मीन पर पड़े हुए हैं, तो हमने इन सब का स्टैंड बनाना है एक ही, तो इसलिए इसकी साइज़ ली जा रही है, ताकि इसका स्टैंड जो है ले सकें।